नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूँ शाहिद कुमार। बता दें कि गर्मी आ चुकी है और गर्मी हो चुकी है और गर्मी के चक्कर में आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे पीछे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से लोग चुके हैं। आपने देखा पीपल कैंप में भी लोग गर्मी के लिए उतरना पड़ता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त मेरे पीछे काफी लोग हैं, मैं इससे जानता हूँ कि किस तरह से हमारा प्रोटेस्ट सीपीआईएम की तरफ से आज प्रोटेस्ट है कि जो गवर्नर राज है ये गुंडों का राज होता है, जमहूरी सरकार चाहिए। गवर्नर राज में लोग बच्चे रात को बिलक बिलक कर मर रहे हैं, इतनी गर्मी से छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग रात को तड़प रहे हैं और जो सरकार नींद में सोई हुई है। और जुगल जो मेंबर पार्लियामेंट चुनते गया है, हम पहले तो ये चाहते हैं कि गवर्नर राज होना नहीं चाहिए, चुनी हुई सरकार होना चाहिए। गवर्नर राज के होते हुए सारी ब्यूरोक्रेसी जड़ी डिक्टेटर बन जाती है और चोरों का अड्डा बन जाता है। जाइए पटवारी के दफ्तर में जाके देखिए क्या चोरों का अड्डा बना हुआ है। इसलिए गवर्नर राज को हम दरखास्त करते हैं कि गवर्नर राज हमारा नहीं होना चाहिए और जहां पर जमहूरी सरकार होनी चाहिए और बिजली का कट जम्मू हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए। अगर छन्नी हिम्मत में नहीं है, सैनिक कॉलोनी में नहीं है, सिंबल में नहीं है, नंदपुर में नहीं है, तो फिर मीना साहब में बिजली का कट क्यों है? इसलिए 24 है, उसमें लिखा हुआ है सीपीआई, सीपीआईएम है। आपको शायद पता नहीं, आप प्रेस से कंसर्न करते हो, सीपीआईएम का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत, ठीक है। इसको इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने आज प्रोग्राम को आज पता तो सभी को होता है, लेकिन आप क्लियर करना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। आपसे सुनिए ना, तो प्रेस वालों को हमारी ये गुजारिश है, हमारा डिपार्टमेंट से कुछ नहीं, डिपार्टमेंट से इतना कहते हैं हम कि डिपार्टमेंट अपनी लाइनें ठीक करे, हमारा वहाँ लाइनमैन रखे। और दूसरी बात जो है, ये कंसर्न जो होता है ना गवर्नर का है, पैसे का कंसर्न है। इस पैसे के कंसर्न में डिपार्टमेंट यही चीज क्या करेगा, एक्शन क्या कर लेगा, एक्शन से बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम तो ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हम तो लर्न आदमी, हम जानते हैं सरकार कहाँ चोट करनी है, हमको चोट सरकार पे है, गवर्नर पे है, उसको हटना चाहिए ऐसी सरकार को, या सरकार आनी चाहिए हमारे जहाँ मौजूदा सरकार। और भी लोग हैं हमारे साथ जो बिजली से परेशान हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरह का परेशानी आ रही है लोगों को। लगातार बिजली के कटते आपको क्या क्या मुश्किल आती है? एक साइड से करना सर जी, हम बिजली से इतना परेशान है को कहने की बात नहीं। अभी भी वीडियो के माध्यम से आम जनता को यही बताना चाहता हूँ कि अभी भी पावर हाउस में जाओ, उन्होंने शेड्यूल लगाया है कि 12 बजे के बाद कोई कट नहीं लाइट का होगा, लेकिन 12 बजे के बाद फिर 2 घंटे का कट होता है। और दूसरा नंबर, जो बिजली डिपार्टमेंट वालों ने अभी हमारे साथ, पहले हमारे जो साथी थे वो गवर्नर पास के भी पास जाते थे और नेता के पास भी जाते थे, वो कहते थे कि हमारे पास इतनी क्षमता वाला ट्रांसफार्मर नहीं है कि जो हम आपको सही चलाए तो लाइट प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अभी 2 ट्रांसफार्मर 10 MVA के लगे चुके हैं। कुछ इन्होंने एरिए जो हमारे साथ अनसेसरी जोड़ दिया है, वो बिश्नाव वाला एरिया कोटली, वो हमारे साथ जोड़ा है, जब से ये जोड़ा है तब से हमारे इलाके में मीरा साहब में बिजली की दिक्कत आ रही है। और जो रेवेन्यू है वो बिश्नाव वाले क्या कर रहे हैं, लाइन मैन है जो वीडियो का लिंक पे बिश्नाव वाले ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इलाका हमारे साथ कोटली का जोड़ा है वो उसको काट दिया जाए तो हमारी लाइट की प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। अभी बिजली की प्रॉब्लम से गवर्नमेंट को दोष देते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सभी, और जो हमारे नेता जीते हुए जुगल किशोर जी, उनसे तो मैं ये दरखास्त करता हूँ कि जब से जीते हो एक बार आके मीरा साहब में अपना चेहरा तो दिखा दो, आप लोगों को वोट देने के लिए, तो आप गठबंधन के हाथ जोड़ने के लिए अभी बिजली डिपार्टमेंट वालों को कहो कि हमारा जो एरिया वो काट के हमें बिजली बिजली वो सही हमें दी जाए। थैंक यू। वो इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के जो हम उससे जानते हैं कि किस तरह का माहौल रहता है जहाँ पे गर्मी में कितना परेशानी आती है लोगों को गर्मी में। तो पहले भी एक परेशानी रही है, क्या इस बार ये परेशानी आ रही है लोगों को? किस तरह का माहौल रहता है गर्मी में, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको जानना चाहता हूँ कि किस तरह
जम्मू परिवर्तन।